So to start with, I am Kanika Taneja. I am working at IG Stadium at Sai Delhi, and I'm working as a sports physiotherapist. So यहाँ पे हमारे पास cycling के athletes हैं, gymnastics के athletes हैं जो NCOE में हैं, और उसके अलावा common play में badminton, basketball और other wrestling and boxing. तो आज हमारा topic है common sports injuries and their prevention. So, जैसे कि हम ये चीज बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं और उनको कैसे रोका जाए, तो एक तरह से ये ब्रशअप सेशन है ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं और उनको हम रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. तो टू स्टार्ट विथ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, इसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्टार्टिंग विथ शोल्डर, शोल्डर की कॉलर बोन टूट सकती है, शोल्डर जॉइंट में चोट आ सकती है, जॉइंट सेपरेट हो सकता है, उसके जो मसल्स हैं मेजर रोटेटर कफ मसल्स उसमें टेंडनाइटिस हो सकता है. देन गोइंग टू एल्बो, जिसमें मीडियल एल्बो पेन आता है, लेटरल एल्बो अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों साइड पेन आता है डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट. देन एब्डोमिनल में क्रैम्प आ सकता है, एब्डोमिनल में चोट लग सकता है मसल का. उसके बाद मेजर इशू है लो बैक, बैक में चोट है. कमिंग टू फिंगर, फिंगर मसल या उसके टेंडन में चोट लग सकता है. देन नीचे जाएंगे तो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में इंजरी आ सकती है. हैमस्ट्रिंग मसल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है मेनली हर स्पोर्ट में, वो पुल हो जाती है, क्रैम्पिंग होता है. नी जो कि बहुत ही शैतान और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, उसमें मेजरली सबको कभी ना कभी कुछ ना कुछ चोट या पेन आ जाता है. उसके अलावा गोइंग टू लोअर डाउन, एकिलेस टेंडन है जो हमारा हील के पास इंसर्ट होता है, और काफ मसल है जिसमें अक्सर क्रैम्पिंग होती है, और सोल जो हमारा पैर का तलवा है उसमें पेन आ सकता है, जिसको प्लांटर फेशाइटिस से सुना जाता है, और साथ में फ्रिक्शन की वजह से ब्लिस्टर्स हो सकते हैं. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये सारी हमारी मेजर इंजरीज हैं जो हो सकती हैं. अब हर स्पोर्ट को तो हम एकदम नहीं कवर कर सकते, तो मैंने मेन मेन पार्ट लिया है, जैसे कि रनिंग काफी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो रनिंग में क्या इंजरीज हैं उसमें देखा जाएगा. तो ज्यादातर स्पाइन से नीचे वाली इंजरीज ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, स्पाइन पे लोडिंग आती है. उसके अलावा हमारे नीचे की मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स जिसकी हमने बात करी, काफ एक साइड में मसल जाती है इलियोटिबियल, उसमें बहुत बार फ्रिक्शन की वजह से पेन आता है जो जाके नी के पास रुकती है. फिर नी पेन है, फिर हमारा शिन है, और ऐसे ही तलवा और एकिलेस का जो टेंडन है जो हमारी काफ मसल जहाँ हील पे टिकती है उसमें पेन आ सकता है. सो दीज आर मेजर रनिंग इंजरीज विच आर कॉमनली सीन इन एनी रनिंग स्पोर्ट. एंड रनिंग इज समथिंग आई हैव टेकन दिस स्लाइड ताकि, क्योंकि रनिंग मोस्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है हर स्पोर्ट में, आइदर प्रोफेशनली रनिंग होती है या फिर वार्म अप के पार्ट में रनिंग इन्वॉल्व होती है. उसके अलावा सेकेंड चीज है थ्रोइंग. थ्रोइंग भी बहुत सारे हमारे बास्केटबॉल स्पोर्ट है, वॉलीबॉल स्पोर्ट है, जैवलिन थ्रोज है, एथलेटिक्स के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, उन सब में थ्रोइंग इन्वॉल्व है. तो जब जब थ्रोइंग इन्वॉल्व होगी तो हमारा मेन फोकस शोल्डर, एल्बो, एल्बो के अंदर की साइड, बाहर की साइड, इन पे ज्यादा फोकस आएगा, क्योंकि ये आप इमेज में देख रहे हैं ग्रेजुअली थ्रोइंग का एक्शन आ रहा है, और जो लास्ट फेज है उसमें हमारी स्पाइन पे लोडिंग आती है. तो ये सारी इंजरीज मेनली हमारी थ्रोइंग के साथ इन्वॉल्व है. तो रनिंग की हमने देखा ये सब इंजरीज है, थ्रोइंग की हमने देखा ये सब है. तो आप सबको जिसको पता है कि कौन से पार्ट आपको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे इन्वॉल्व करना है, इसलिए हम इसका ब्रॉड आइडिया लेके चल रहे हैं. तो एक ये डाटा यूएस स्टडी हुई थी उससे लिया गया था, ज्यादातर फुटबॉल प्लेयर्स में, तो उनमें देखा गया था कि इतने इतने परसेंटेजेस इन्वॉल्व है. इस जो लेफ्ट साइड में हमारा ग्राफ है वो दिखा रहा है कि कौन से बॉडी पार्ट में कितने परसेंटेजेस इन्वॉल्व है उसकी इंजरीज है, और जो राइट साइड में दिखा रहा है वो हमें ये दिखा रहा है कि मसल और लिगामेंट सबसे ज्यादा चोट खाते हैं कंपेयर टू बोन और एनी अदर पार्ट या बोन डिसलोकेट होना. तो ये एक ग्राफिकल इमेज हमें दे रहा है कि क्या चीज ज्यादा इन्वॉल्व होती है. अब क्यों हमें स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंट करनी है, तो अक्सर हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हमें अपने एथलीट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है या विक्ट्री दिलानी है तो ही नीड्स टू लिव इन अ इंजरी फ्री जोन. हम रिवर्स सोचते हैं हमेशा कि इंजरी फ्री रखें तभी, तो हमें उसको ये गोल दिमाग में लाना है, इसी तरह मोटिवेशन रखना है कि इंजरी फ्री जोन में रहेगा तो विक्ट्री विल फॉलो यू.
क्योंकि इंजरी हमेशा टाइम ले जाती है, एनर्जी ले जाती है, एक्सपेंसेस ले जाती है, सब कुछ चीजें इंजरी ग्राफ को पूरा अप डाउन कर देती है, ट्रेनिंग अफेक्ट हो जाती है. सो टू बी विक्टोरियस द एथलीट नीड टू बी इन अ इंजरी फ्री जोन. इसीलिए ये प्रिवेंशन प्रिवेंशन इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोक ले वही अच्छा है. ऑल दो 10% ऑफ इंजरीज वी कैनॉट स्टॉप कम्प्लीटली, बट स्टिल रेस्ट ऑफ द 90% वी कैन टेक केयर विद सर्टेन टेक्निक्स. नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई प्रिवेंट. तो वाई प्रिवेंट का मैंने आपको बताया कि ऐसा डाटा फाइंड आउट हुआ है कि 3 में 1 साल में 1 बार जरूर कुछ ना कुछ इंजरी के लिए ट्रीटमेंट लिया गया है. सो हर कोई कभी ना कभी अफेक्ट होता है, इसलिए हमें उसे रोकना है. दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट यानी कि फाइनेंसेस इन्वॉल्व. उसमें यही एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने फाइंड किया है कि 14,000 मिलियन रुपीज स्पेंड किए गए हैं ऑन द ट्रीटमेंट एंड रिहैब एंड वट एवर पॉसिबल थिंग्स नीडेड फॉर द रिकवरी. सो एक्सपेंडिचर वाइज भी टैक्सिंग हो जाता है और मेंटली भी डिस्टर्ब करता है एंड फिजिकल पेन तो है ही है. तो हर तरह से चीजें अब्सर्ड हो जाती हैं, इसलिए वी नीड टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन. नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी को कभी आज इंजरी हुई है और वो रिकवर हो गई है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये आता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज लेटर, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम से चीज हम सुनते हैं जैसे विच इज डीजनरेशन ऑफ जॉइंट, तो वो उसको होने के अर्ली प्रोस्पेक्ट्स हैं. मे बी 6-7 years लेटर डाउन द लाइन ही इज मोर प्रोन टू दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस और दिस काइंड ऑफ डीजनरेशन डिजीजेस. सो वो लॉन्ग टर्म हम कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म भी वो अफेक्ट करता है. शॉर्ट टर्म तो कर ही रहा है बट लॉन्ग टर्म भी अफेक्ट करता है. सो टुगेदर ऑन अ होल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टू बी नॉट टू बी अफेक्टेड वी नीड टू प्रिवेंट. तो वाई प्रिवेंट के आंसर्स यही है कि हाँ हमें प्रिवेंट करना ही करना है. अब हाउ प्रिवेंट की बात आती है. इसमें एक ट्रिप मॉडल आया है रिसर्चर्स के थ्रू. इट्स जस्ट सिंपल ट्रांसलेटिंग रिसर्च इनटू इंजरी प्रिवेंशन प्रैक्टिस. इसका सिंपल तरीका समझने का ये है कि टुगेदर वी हैव टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन एंड देन फाइनली प्रिवेंट द इंजरी. ये हम कैसे करेंगे इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको बता रही हूँ. ये 4 डब्बे आप देख रहे हैं, ये एक सर्कल की तरह चलते हैं. सबसे पहला डब्बा दिखा रहा है कि कितनी इंजरी हो रही है. यहीं पे हम लोग बहुत जगह फेल कर रहे हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहे हैं कि व्हाट्स द इंसिडेंस रेट. तो वी नीड टू डॉक्यूमेंट फर्स्ट कि कितनी इंजरीज हो रही हैं. वंस वी गेट दैट तो फिर हम देखेंगे कि क्यों हो रही हैं. वंस क्यों हो रही है हम अपना मेजर इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन अगेन द रीचेक. क्या वो नंबर जो पहले अगर 10 इंजरीज मिली थी क्या वो 6 पे आई हैं. सो जो हमारा प्रिवेंटिव मेजर है वो सक्सेसफुल है, और अगर वो 6 पे नहीं आई हैं तो आर प्रिवेंटिव मेजर टुगेदर टू कंट्रोल दिस विशेस साइकिल और द सर्कल एंड प्रिवेंट द इंजरी. प्लीज सब म्यूट कर लीजिए. ओके सो नेक्स्ट आ रहा है कि हाउ. अब ये समझ आ गया क्यों हो रही है, कैसे कंट्रोल करना है, उस पे आ रहे हैं हम. हाउ टू डू इट. तो इसमें हमारी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम एक न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग वार्म अप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें लगभग 35% ऑफ रिडक्शन इंजरीज आते हैं. ये 2019 मतलब मोस्ट रीसेंट रिसर्च है जिसने ये कहा है. तो न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग का वार्म अप हमें डालना है जिससे हम बहुत लेवल ऑफ इंजरीज रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि बहुत सारी गेम्स में पॉलिसी चेंजेस होती हैं. फॉर एग्जांपल आइस हॉकी में फिर डिसअलाउ द बॉडी चेकिंग तो उससे 56% इंजरीज रिड्यूस हो जाती है. So athlete, coach, each one of them should be aware, even the sports and staff should be aware of what the policy changes and then we can reduce the level or the numbers of injuries. And last is brace or tape use karein. Most of the time athlete ke dimaag mein ye hota hai ki main to elite athlete hu, main bahut acha hu, main tape nahi lagaunga, main brace nahi pehnunga. But do use them when your body needs it. Aap apne aap usko wean off kar sakte hain as and when required. बट जब जरूरत है तब यूज करें उसे बिकॉज दे कैन डेफिनेटली हेल्प अ लॉट.
एग्जाम्पल रीसेंट इंट्रोडक्शन हुआ है आई गॉगल्स इन स्क्वॉश, क्योंकि स्क्वॉश में बहुत हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल रहती है, तो उसमें आई गॉगल्स यूज करने से काफी इंजरीज, आई की ट्रोमेटिक इंजरीज स्टॉप करी जा सकती हैं। उसके अलावा यूज ऑफ रिस्क गार्ड इन स्नोबोर्डिंग, ऐसे आपके अपने स्पोर्ट में आपको खुद बहुत अच्छा मालूम होगा कि कौन सा टेप कौन सा ब्रेस आप लगा के उसे सेव कर सकते हैं, तो डू यूज देम। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, क्या चीज हम मिस कर रहे हैं? हम मोस्ट ऑफ द टाइम वार्म अप में फोकस फ्लेक्सिबिलिटी पे करते हैं, बट इन न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग वी एड प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस ऑल्सो। सो एक तरह से एक होलसम ट्रेनिंग हो जाएगी इनिशियली ही, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक 10 to 15 minutes ओनली एंड इट विल वर्क एज अ वार्म अप प्रोटोकॉल। सो ये डाल दिया जाएगा तो ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखाया कि 35% ऑफ इंजरीज हम रिड्यूस कर सकते हैं। That is just applicable to one sport. Each sport has their own percentage. This is an example of neuromuscular training on what actually happens. So initial 10 minutes are on warm up and then you add on different components. Our component is mein humne add kar diya hai. Aerobic hai, cardiovascular part hai, agility wala part hai. Uske alawa strength ka bhi part hai aur balance ka bhi part hai. तो एक ये कंबाइंड कॉम्प्लेक्स बन गया है जिससे वार्म अप मोर इफेक्टिव हो जाता है और इंजरीज को रोकने में काफी हेल्पफुल रहता है, और हमारा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लेक्सिबिलिटी पे ही रहता है, तो उसके अलावा वी नीड टू एड ऑन एंड इट विल डेफिनेटली नॉट इंक्रीज मच ऑफ योर टाइम एंड डेफिनेटली कैन हेल्प टू रिड्यूस, सो व्हाई नॉट। तो ऐसे ये एक सैम्पल एग्जाम्पल है सिर्फ चाचकान की एक रिसर्च का। तो इसी तरह हर स्पोर्ट का अपना न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफाइन हो सकता है, या इससे पॉइंट्स उठाकर वी कैन प्रिपेयर दैट एंड देन इंट्रोड्यूस दैट, एंड डेफिनेटली जो हमने पहले मॉडल देखा था उसमें हम डाल के देख सकते हैं कि क्या इसे फायदा हुआ है नहीं हुआ है। सो रीचेकिंग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, रीअसेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ प्रिवेंशन इज पीपीई, इसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में मत जाइएगा, इट्स प्री पार्टिसिपेशन इवेल्युएशन। आइडली 6 हफ्ते पहले कोई भी कॉम्पिटिशन से एक एथलीट को अपना प्री पार्टिसिपेशन इवेल्युएशन करवाना चाहिए, उसको कराने से ही उसमें पता चल जाएगा वॉट ऑल आर द शॉर्ट कमिंग्स, इज देर एनी मसल स्ट्रेंथ वीकनेस, इज देर एनी मसल लेंथ शॉर्टन, इज देर एनी मसल टाइटनेस, और अगर हम पहले ही पता है 6 weeks का टाइम वी आर टेकिंग टू टेक केयर ऑफ वॉट एवर द फाइंडिंग्स आर। सो एक पीपीई अच्छा सा मस्कुलोस्केलेटन इन्वॉल्वमेंट के साथ या बाकी हिस्ट्री के साथ इफ वी कंडक्ट देन वी कैन रिड्यूस द इंजरीज। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्री पीपीई फॉर्म। सो आप इसमें देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट जस्ट द डाटा है, सेकंड पार्ट मेडिकल हिस्ट्री है, और थर्ड पार्ट में एक्चुअल एग्जामिनेशन है जिसमें मस्कुलोस्केलेटन एग्जामिनेशन एक मेजर पार्ट है, जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट और चीजें करवा के एथलीट से उनका मेजर रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बेसिस पे वी कैन मेक द गोल्स, द प्री हैव गोल्स ऑफ दैट एथलीट, एंड देन दैट कैन बी एग्जीक्यूट इन द 6 weeks टाइम, एंड देन द प्लेयर कैन गो बैक कंफर्टेबली टू द फील्ड और फिर और अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा मेन गोल यही है, नो इंजरी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस, सो वी हैव टू वर्क ऑन बोथ दीज थिंग्स। नाउ दिस इज द स्लाइड इटसेल्फ सेज दैट वी नीड टीम वर्क। टीम वर्क में अक्सर इस तरह लिया जाता है कि ब्लेम वर्क हो जाता है, उसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ। सो आई बिलीव वी ऑल हैव जॉइंड दिस मॉड्यूल, वी ऑल आर टुगेदर हियर टू वर्क एज अ टीम वर्क। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी कोचेस हैं, एथलीट्स हैं और स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है, ये सब अगर टुगेदर वर्क करेंगे तो सबके जो गोल्स हैं वो डेफिनेटली अटेन होंगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट नेगेटिवली, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड वर्क एज अ टीम वर्क like this. So together each one of them is holding and then every goal will be attained and the athletes will be saved and they will be victorious at the international levels for sure. Kyunki har kisi ka jab goal hi yahi hai to fir ikatthe hoke us goal ko follow kiya jaye. So this image maine janbujh ke dala hai ki dikhane ke liye ki usko hum pakad ke rakhe aur sab milke pakdenge to hum help kar payenge. So together teamwork is something which is very important, और उसमें I believe coaches are always there to help and support us.
इसमें अब ये जो स्लाइड है ये मेनली आई बिलीव कोचेज एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज आर मोर इन्वॉल्व विद दिस, दे नीड टू मैनेज द वर्कलोड. इसमें ऐसा देखा गया है कि द एथलीट्स हु आर अकस्टम टू हाई ट्रेनिंग लोड्स हैव लो रिस्क ऑफ इंजरी देन दोज आर ट्रेनिंग एट द लोअर लोड्स. तो इवेंचुअली वी नीड टू टेक ईच एथलीट टू हाई ट्रेनिंग लोड सो दैट देयर रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूसेस and they can perform better, but eventually, the word is gradually. Training load should not be excess and rapid. And aajkal hamare paas variable technologies hain to workload manage monitor karne ke liye, like jump velocities, balance, ye sab dekhne ke liye, aise hamare paas gadgets available hain jisse hum pehen ke unhe monitor kar sakte hain. So we can use the help of the technology to assess their load. तो इसमें मैंने आपको बताया ग्रेजुअली. अब एक माउंटेन पे हम चढ़े हैं, ऐसा ना हो कि वी फॉल वेरी स्टीपली. सो दिस कैन प्रिवेंट ऑल एक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरीज. सो वी हैव टू इंक्रीज ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली डाउन. तो वी डोंट मेक हिम, जो राइट साइड में इमेज है वो स्टीप फॉल है, हमें स्टीप फॉल नहीं चाहिए. सो दैट इज वाई दैट वर्कलोड शुड बी मॉनिटर्ड एंड शुड बी मैनेज्ड वेल. एंड इसमें मेरे से अच्छा आप सब लोग जानते हैं एंड यू नो हाउ टू डू इट. अब इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, विद दिस इमेज आई वांट टू शो कि एक ब्रेन मेंटल बैलेंस विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब तक हम फिजिकल सारी स्ट्रेंथ और फिजिकल चीजों की बातें कर रहे थे, बट यस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. वी नीड टू हैव द मेंटल बैलेंस. अब मेंटल बैलेंस की लॉजिक क्या है, अगर बहुत हाइपर एक्टिव होगा एथलीट, बहुत ज्यादा एक्टिव हो, नहीं मैं तो ये करूँ मैं तो ये वो करूंगा, तब भी गलती हो सकती है, देन ऑल्सो इज प्रोन टू इंजर्ड बिकॉज ही इज हाइपर एक्टिव. और अगर बहुत लो कंसेंट्रेशन है, फोकस अफेक्टेड है, तब भी गलती हो सकती है. सो देर हैज टू बी, एक तराजू पे दोनों बैलेंस्ड रहने चाहिए, ना बहुत हाइपर एक्टिव ना बहुत लो कंसेंट्रेशन फोकस. So physical, mental balance and the workload techniques by the coaches, these all together has to work in a team work. So we need to stop it, the sports trauma and overuse prevention, and we need to keep the kids in the game for life. Uske main hai hydration bhi important hai, nutrition bhi important hai, proper equipments important hai, you should know what is your limit. And in case there's a very acute injury, you should immediately report so that it gets treated as soon as possible. और उससे हम उसका loss रोक सकते हैं. हम जैसे कहते हैं कि time is money, but यहाँ time is health. तो जितना quick reactions होंगे, जितना जल्दी हम संभाल लेंगे, उतनी extent of injuries can be reduced. This is just an example of various stretches. I think most of us are following this in all our warm up and cool down routines. So stretching is an important part. And now because we handle gymnastics here, ab aap is image mein dekh sakte hain ki koi aisa joint nahi hai jo save hai. Isme most of the joints har ek point pe kabhi na kabhi kahin na kahin loading aa rahi hai. So it involves lots of injuries and we need to take care of that. Now इनका एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको जैसे छोटे छोटे बता रही हूँ, स्पाइन इंजरीज जैसे अगर हो रही हैं जिसमें हमें कोर पे फोकस करना चाहिए, तो कोर की आप दो एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक में आप देख पा रहे हैं ब्रिजिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कोर मसल्स का वर्क हो रहा है एंड इट इज काइंड ऑफ क्वाइट सेफ एक्सरसाइज. और जब ये अटेन हो जाएगी अच्छे से तो हम इसको फर्दर प्रोग्रेस करेंगे बॉल एड करके और वन लेग लिफ्ट करके. नेक्स्ट, नी इंजरीज बहुत सारी इन्वॉल्व है, मेनिस्कल टियर, एसीएल टियर, तो उसमें हम मेजर चीजें जो ऐड कर सकते हैं वो है बॉल को, जो आप बॉल पे गर्ल खड़ी है उसको बॉल लेग्स के बीच में है और साथ में वो स्क्वाट करेगी, तो इट्स लाइक एक तीर दो निशाने लग रहे हैं, वो स्क्वाट के लिए मसल भी यूज कर रही है और साथ में बॉल को भी स्क्वीज कर रही है, तो इनर थाई को भी यूज कर रही है. तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एनी इनिशियल नी पेन एंड वी कैन स्टार्ट विद दिस. और साथ में नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं फोम रोलर यूज किया जा रहा है टू रिड्यूस, टू टेक केयर ऑफ द मायोफेशियल रिलीज, ताकि जो भी क्वाड्रिसेप मसल पे हम यूज कर रहे हैं और बॉडी वेट को यूज कर रहे हैं इससे मसल रिलैक्स हो सकती है.
नेक्स्ट गोइंग अप टू शोल्डर, इट्स क्वाइट एन कॉम्प्लेक्स जॉइंट, और आप इसमें देख रहे हैं कि शोल्डर का यूज बहुत सारा है, रिंग्स पे, बार्स पे, बीम पे, हर प्रैक्टिस पे शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट काफी है. और इसमें शोल्डर में भी बहुत सारे जॉइंट और लिगमेंट्स और रोटेटर कफ मसल्स इन्वॉल्व हैं. तो इनके लिए बेसिक हम ये दो एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक में आप देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रेच हो रहा है, ज्यादातर रोटेटर मूवमेंट्स और उसकी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो हम ये सिंपल स्ट्रेचिंग्स कराएंगे तो शोल्डर पेन कैन बी टेकन केयर ऑफ. एंड उल्टा लेट के हम डब्ल्यू बना रहे हैं. तो इस तरह और बहुत सारी रिहैब एक्सरसाइजेस हैं विच कैन बी पार्ट ऑफ द वार्म अप और प्रीहैब, एंड देन इट कैन प्रिवेंट एनी ऑफ दीज जॉइंट पेन्स. गोइंग अप टू एंकल, तो एंकल में भी हमारे बहुत बार एंकल ट्विस्टिंग होती है, ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में देखा जाता है. तो उसमें हम ये सिंपल टेस्ट भी है और ये एक्सरसाइज भी है. इसमें आप क्या करेंगे, यू विल स्टैंड ऑन वन लेग एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड योर टाइम. और मेन आपको ये देखना है कि आप अपने टोज को कर्ल नहीं करें या अपने वेट्स को शिफ्ट नहीं करें, कितना आप आइडली इसको कर पाते हैं, और फिर ग्रेजुअली आप अपने उस रिकॉर्ड टाइम को इंक्रीज करें. तो इसलिए आप एक तरह से अपने आप को ट्रेन भी कर रहे हैं और अपने आप को टेस्ट भी कर रहे हैं कि आप कितना इम्प्रूव हो रहे हैं. ये हमारे उस जो मैंने आपको ट्रिप मॉडल बताया उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे. रीअसेस करा, फिर देखा अच्छा अब हमारा टाइम इम्प्रूव हो गया, ठीक है फिर हमने दोबारा एक्सरसाइज करी. तो एक तरह से साइकिल में हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. नेक्स्ट इज रिस्ट. जैसे कि हम अब इसमें देख रहे हैं अनपैरेलल बाज और पैरेलल बाज दोनों पे एक जिमनास्ट का रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, और हम रिस्ट में अक्सर इंट्रिंसिक मसल्स को भूल जाते हैं. तो जो एक मैं इमेज में दिखा रही हूँ उसमें ये एक रबर बैंड एक तरह से रेजिस्टेंस वर्क करता है, जैसे आपके पास थेरा बैंड होते हैं तो उनकी हम स्ट्रेचिंग करें तो उससे हम रिस्ट मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. उसके अलावा वेट्स भी आप यूज कर सकते हैं फोरआर्म मसल्स की मूवमेंट के लिए. तो सारी चीजें मिलके हम रिस्ट की सराउंडिंग मसल्स को वैस्कुलैरिटी इंप्रूव करेंगे, स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे, जिससे हम उसे इंजरी फ्री रख सकते हैं. उसके अलावा जैसे हमने बताया कि टेप एंड ब्रेस यूज हो सकते हैं, यूज वेयर यू वांट टू यूज एंड यूज वेयर देयर आर इनएविटेबल देयर आर नेसेसरी. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स हैं, रिजिड टेप्स है, कनेसो टेप है, डायनेमिक टेप है. तो हम बहुत सारी टेप्स का अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंजरीज, या अगर किसी को वीक फील कर रहा है कि दैट आई फील माय एंकल इज नॉट स्ट्रांग इनफ टुडे, सो वी कैन यूज दिस एक्सटर्नल हेल्प एंड टेक केयर ऑफ द ट्रेनिंग. अब एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, हम ज्यादातर शूज लेते हैं तो आई बिलीव वी नीड टू चेक आवर शूज ऑल्सो. सो उससे हम बहुत सारी फुट रिलेटेड इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं. तो ऐसा देखा गया है कि देयर इज अ 3-पॉइंट सिस्टम टू चेक और असेस योर शू. उसमें आप जैसे देखेंगे कि शू को ट्विस्ट करके देख सकते हैं, शू को बेंड करके देख सकते हैं, और लास्ट में शू की हील को दबा के देख सकते हैं. ट्विस्टिंग में इनफ ट्विस्ट होना चाहिए, और बेंड में यू शुड सी कि जहां आपका अंगूठा टिकता है यानी कि हमारा ग्रेट टो है उस पॉइंट पे वो बेंड होना चाहिए, क्योंकि रनिंग में मोस्टली हमें उस पॉइंट को बेंड करके ही रनिंग का फोर्स लेना. और लास्ट जो इमेज है उसकी हील को कंप्रेस कर रहे हैं उसमें वो ज्यादा दबनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो स्टेबिलिटी नहीं देगी. और टू सिलेक्ट द करेक्ट शू यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ थंब विड्थ, इतना थंब जितना चौड़ा स्पेस आगे टो बॉक्स में आपका होना चाहिए, उससे यू कैन सिलेक्ट अ करेक्ट साइज फॉर योर शू. और डेफिनेटली अगर हमारा शू अच्छा होगा, स्टेबल होगा, वो तो वो हमारी बहुत सारी एंकल नहीं एक पूरा वेट लाइन ट्रैवल हो रहा है तो एंकल, नी, हिप, स्पाइन सबकी इंजरीज को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकता है. सो वी नीड टू गेट अ गुड शू फॉर दिस. और एक तरीका आप अपने शू को चेक करने का कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सर्टन रिसर्चेस कि 1 to 2 years के टाइम में यू शुड चेंज योर शूज. नहीं तो उससे पहले अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको उल्टा करके पीछे का पार्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे वेयर एंड टेयर हुआ है. अगर आप देख रहे हैं नॉर्मली सेंटर में होना चाहिए, बट अगर आपका बाहर की साइड ज्यादा है या अंदर की साइड ज्यादा घिस गया है, उसके रिजेस नहीं दिख रहे हैं, देन इट्स द टाइम टू चेंज योर शू. एंड डेफिनेटली इट टेल्स यू दैट आपकी या तो आर्च ज्यादा है या आर्च कम है. तो उसके लिए आप इंसर्ट्स यूज कर सकते हैं अपनी आर्च को बेटर करने के लिए, या फिर फुट की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं.
This is an example of neuromuscular training which football FIFA has applied. And इसमें ये इन्होंने if you want I can share this with all of you, इसमें उन्होंने ये सारा part add on करा है. Initial aerobic training है जिसमें warm up वाला part है, running वाली सारी drills है. Then second part जो है जो नीचे में आप देख रहे हैं इसमें 10 minutes में strength भी है, plyo भी है, balance भी है और gradually progression है level 1, level 2, level 3. Once you are able to attain level 1 comfortably then go up to level 2. ऐसा नहीं एक ही दिन में होगा ये विद टाइम होगा. और लास्ट पार्ट है रनिंग एक्सरसाइज. तो एक इस तरह का वार्म अप प्रोटोकॉल अगर हम अपने स्पोर्ट्स का यूज करेंगे तो वी कैन रिड्यूस लॉट्स ऑफ इंजरीज और एक होलसम एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच आ जाएगी और सारी चीजों का टेक केयर कर लिया जाए. सो जस्ट टू समराइज, वी शुड प्रैक्टिस विद इन आवर लिमिट्स. हाइड्रेशन न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल्स जो गेम के चेंज हुए हैं जो करंट रूल्स हैं वी शुड बी अवेयर ऑफ इट. इंजरी हो गई है तो क्विक, वेरी क्विक, क्विक वर्ड भी छोटा है, वेरी क्विक अटेंशन लेनी है और जो भी रिहैब है उसे फॉलो करना है. प्री पार्टिसिपेशन कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर ली जाएंगी. जस्ट हैव फन एंड प्ले हार्ड. And last, I'd like to end with this. My favorite exercise is a cross between lunge and crunch. So it's called lunge. I know it's time for lunch. Everyone wants to break for that. And these are the resources. And let's work together to stop all these sports injuries and keep the athletes in the game of life. Thank you all. I'm open to any questions. हेलो हेलो. हाँ जी. हाँ नमस्ते मैडम, मैं गोपाल भाई शर्मा वेटलिफ्टिंग कोच साई एसओई लखनऊ से बोल रहा हूँ. हाँ जी सर. मैडम जैसे हम लोग जनरली हमने साई में होता है कि जैसे वार्म अप शूज जो होते हैं जी. सारे बच्चों के नंबर लेके हम जैसे एक ब्रांड का शूज आता है हम सीधा प्रेफर कर देते हैं कि ये साइज इतना है और ये साइज इतना है तो हम साइज के हिसाब से शूज मंगा लेते हैं जी. और जनरली सारे बच्चे मतलब रनिंग में और जनरल वार्म में वही यूज करते हैं. तो क्या अगर हम इसमें मतलब जो मुझे लगता है कि अगर कुछ बच्चों के पैर के जो नीचे का सिस्टम है यानी कि जो हम नीचे का आर्च की पोजीशन किसी का फ्लैट होता है किसी का आर्च होता है जी, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफाई करके अगर हम प्लान करें कुछ इसमें इसका इंजरी में कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या मतलब सेव हो सकता है. जी डेफिनेटली सर, इसीलिए मैंने शू की बात उठाई है. ये मतलब मेरा मतलब सजेशन ये था इसमें कि ये बात वैसे है माइंड में मगर इसको अगर आप अपने अपने लेवल से इन चीजों को अगर ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे तो आई थिंक ये बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को ये कम जब हम उसे डिस्कस करते हैं तो वो चीजें आती हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये उसको वो नहीं कर रहे हैं मगर ये इसमें अगर हम फोकस किया जाए तो और बेटर रिजल्ट आ सकता है हमारे लिए. जी सर बिल्कुल, इसीलिए मतलब आई एडेड दिस स्लाइड स्पेशली ताकि ये एक अवेयरनेस भी बढ़े और इससे चीजें हों और अब जैसा चाह रहे कि हम आगे फॉरवर्ड करें इन चीजों को तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि किस चैनल से ये हो सकता है और डेफिनेटली विल डू इट क्योंकि अगर किसी चीज से एक छोटे से माइनर चेंजेस से तो वी शुड डू इट. इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे जब रनिंग करते हैं तो मैं उनसे जो बातें होती हैं तो उनसे आउटपुट निकल के आता है वो जो बच्चे जैसे आपने प्रॉब्लम से बताई है वो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को जी. तो उनका अगर वो जो जिस तरीके का जब उनको लगता है कि हाँ सर ये मेरा को सूझ ठीक है तो वो प्रॉब्लम फिर नहीं आती है उनको. जैसे इस बार कुछ मिला तो उसका मतलब फिटिंग कुछ और होती है, नेक्स्ट ईयर मिलता तो उसकी फिटिंग मतलब सेम कंपनी होती है मगर फिटिंग में डिफ्रेंसिएशन आ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये अगर कुछ इस चीज जैसे एक्सपर्ट टाइप का कुछ ऐसा इसमें ऐड हो जाए तो मुझे लगता कुछ परसेंटेज आने की 10-15% इंजरी को हम सेव कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा नीचे से बेस स्टार्ट होता है और मसल कोऑर्डिनेशन और मसल उसी हिसाब से बैलेंस होती है बॉडी की यानी कि जो न्यूरो मस्कुलर बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन जो है वो नीचे से ही जनरेट होता है स्पेशली यानी कि जैसे बैलेंस. हाँ जी बिल्कुल. और बच्चों को जैसे रनिंग है तो रनिंग में बैलेंसिंग भी करना होता है तो मसल फिर उसी
मतलब जो नीचे स्टेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग करेगा। जी तो वही सर, ये डेफिनेटली इसको हम आगे ट्राई करेंगे कैसे हैंडल कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं कि फुट को मोड़ के देखना, हील को दबा के देखना, वो मैं वेरी गुड, और आपने जो नीचे का जो नीचे वाला बताया है कि जो जूते के हिसाब से भी आप बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपने, मतलब ये आइडिया है नहीं, मतलब होता है मगर माइंड में नहीं आता है हमारे, तो ये बहुत अच्छा आपने इसमें ऐड ऑन किया है, वेरी गुड, मतलब ये मेरे माइंड में आया तो मैंने कह रहा हूँ एक मौका है, इसमें ऐड कर सकते हैं हम चीज को। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। और कनिका मैडम, मे आई हैव परमिशन टू इंटरवीन हियर? हां जी डेफिनेटली सर। ओके, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर हर्षदीप हूँ और साई एनसीयू जगतपुर में एंथ्रोपोमेट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक्स टू यू फॉर इल्यूमिनेटिंग प्रेजेंटेशन, और बहुत एलिमेंट्री जो कि हम सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं बस एक छोटा सा एड ऑन करना चाहूँगा कि गोपाल सर, आपके क्वेश्चन के लिए भी बहुत धन्यवाद, और ये हमारे एथलीट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज रहेगा मेरे एंड से, और खास करके एंथ्रोपोमेट्री की टीम के एंड से, कि पहले के जमाने में हम देखते थे कि शू का मतलब केवल शू होता था, बट रिसेंटली 5 से 7 साल के ट्रेंड्स को अगर देखें तो ओवरऑल जो हमारे फुट की लेंथ और ब्रेथ होती है उनके बेसिस पे, उनकी स्टडी के बेसिस पे, अब जो हम ओवरसीज कंपनीज की ब्रांड्स की बात करें तो उन्होंने डिजाइनिंग शुरू की है। अगर हम कॉमन ब्रांड्स की जो काफी पॉपुलर है, नाइकी है, प्यूमा है, एडिडास है, लेट मी नॉट बी वेरी स्पेसिफिक टू दैट, दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, तो इन्होंने क्या किया है कि किसी कंट्री के फुट लेंथ और ब्रेथ के बेसिस पे अपने जो शूज हैं उनको डिजाइन किया है। तो माय रिक्वेस्ट टू एवरी एथलीट ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज कि मैं यहाँ भी हमारे एथलीट से जब कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो यही कहता हूँ कि हम सभी का एक जो फुट लेंथ होता है वो डिटरमाइंड है, एक एज में आने के बाद वो कभी चेंज नहीं होगा, एंड शूज की भी जो टाइप्स होते हैं हमको उसको भी समझना पड़ेगा। आप अगर शूज के टाइप को समझना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में हम देखते हैं कि रनिंग शूज होते हैं, वॉकिंग शूज होते हैं, ट्रेल शूज होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग शूज होते हैं, सो देयर आर वैरायटीज ऑफ शूज। सो व्हाट माय मैसेज टू एथलीट्स इज कि पैर की लेंथ केवल पहनने से शू का पता नहीं चलेगा, बल्कि ये देखने से पता चलेगा कि किस टाइप के शू को आप प्रेफर करते हैं। वॉकिंग के शू से रनिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, और रनिंग के शू से वॉकिंग भले हो सकती है। सो दैट्स इट, दिस वाज जस्ट अ बिट ऑफ एड ऑन, एंड मैडम थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आवर रिसर्च ऑल्सो। थैंक यू सर, सही पॉइंट ऐड किया सर, ये प्रैक्टिकली ये चीज होती है जी। और एक्चुअली फोकस करने, एक्चुअली क्या होता है ना, जनरली हम जब तक उस चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे वो चीज पॉइंट आउट नहीं होती, काम चलता रहता है फिर, और एक्चुअली मतलब जो है कैरी ऑन रहती है वो समस्या जी सर। कभी जड़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। जी जी बिल्कुल सर, कहने का मतलब देखा जाता है, जड़ें कभी ध्यान नहीं दी जाती। कहने का मतलब यही था सर। जी हाँ जी हाँ, हमारे जो पैर है वो रूट है सर, उसमें हम प्रॉपर पानी देंगे तभी जो पेड़ है उसकी जो तना है वो मजबूत होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आई बिलीव माय मैसेज हैज बीन क्वाइट नाइसली कन्वेड टू एवरीवन, एंड इफ देयर आर एनी मोर नो मोर क्वेश्चंस वी कैन एंड द सेशन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक साई एंड केम्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन शेयर माय thoughts with everyone over here. Thank you everyone for being patient listeners. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you.